हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने चीनी लिए हैं 4 से 5 चम्मच के लगभग। आटा है तो 100 ग्राम के लगभग आटे हैं। इनको मैं पानी के साथ आटा बनाऊंगी और मैं आप लोग गेस कीजिए आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। देख सकते हैं मैंने आटे को मिला लिया है। 1 मिनट के लिए इसको, 1 या 2 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ दें। अब इसकी मैं फिलिंग करूंगी चीनी से। आज मैं मीठी पूरियां पराठे बनाने जा रही हूँ जो बच्चों को ब्रेकफास्ट में आप दे सकते हैं। अभी मैं इसे फिल करके आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा आटा आप सूखा भी लगा सकते हैं। आप पूरिया की तरह बेल करके भी इसे आप फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 चम्मच के लगभग इसमें डाल करके आप भी फिल कर लें इस तरह से। देखिए मैंने थोड़ा सा आटा चकले पर लगा लिया है, इसको मैंने फिल कर लिया है। अभी इसी तरह से फिल कर लें इसे डाल करके। देखिए हल्के बेलन का यूज करें इसमें, अधिक न करें नहीं तो फूलने के चांस रहते हैं ज़्यादा। आप जिस साइज की चाहें उस साइज की आप इसे बना सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं मैंने पैन गर्म कर लिए हैं। इसमें 1 चम्मच के लगभग रिफाइंड ऑयल डाले या बटर घी का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर मैंने दूसरी भी पूड़ियाँ बना ली है। आप देख सकते हैं इसमें भी इसी तरह से आप 1 चम्मच के लगभग चीनी डाल करके फिल करें इसको। आप इसी तरह से इसे उलट करके दोनों तरफ से अच्छे से इसे फेंक लें। लो फ्लेम से मीडियम फ्लेम रखें इससे ये कच्चा भी न रहे और अच्छे से पक भी जाए। अभी मैं इसे सर्व करते हुए आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए बनाए, जब इसे बहुत पसंद करते हैं। आप लोग भी इसे बना करके अपने बच्चों के साथ इंजॉय कीजिए, ब्रेकफास्ट में दीजिए, लंच में दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद सब।